एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज की वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द स्टेट। अब क्या पोटेंशियल है और क्या स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। तो पहला पॉइंट है, लार्ज स्केल एक्सपेंशन इन द पब्लिक सेक्टर जॉब्स आर नॉट वेरी ब्राइट to fill all the gaps in the manpower required to deliver public services in crucial areas such as health and education. The contribution of the government jobs would not be more than 17% as per the Ministry of Home Affairs, Government of India, through Department of Jammu Kashmir Home Affairs in the year 2003 for creating 1 lakh employment and self-employment opportunities in the state of Jammu and Kashmir. So, इसमें क्या बताया हुआ है? Nutshell में मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जो लार्ज स्केल एक्सपेंशन होता है पब्लिक सेक्टर में वो इतना ब्राइट नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर स्टेप्स लिए भी जाए ये गैप्स फुलफिल करने के लिए, ताकि पब्लिक सर्विसेज जो है वो जो क्रूशल एरियाज है हमारे हेल्थ और एजुकेशन में, वहाँ पब्लिक सर्विस पहुँचे, फिर भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट का वो एट द गवर्नमेंट जॉब्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें वुड नॉट बी मोर देन 17%, क्योंकि ये कैलकुलेशन वगैरह के थ्रू ये डेटा सामने आता है। उसके बाद क्या है, अदर एवेन्यूज फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द स्टेट इंक्लूड दीज टू रूट्स। और तरीके क्या है सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, ये दो तरीके हैं, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट। सेकेंड है मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो एक्सेलरेट, तेज कर दिया जाए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की इकोनॉमी बढ़ जाए, या फिर मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स, ठीक है, और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम्स जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ये इम्प्लीमेंट हो पाए। इसके आगे हैं, एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं उनको सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो खड़े कर पाए, सेटअप कर पाए, तो उनके लिए एक सपोर्ट रखें। इन जम्मू एंड कश्मीर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव ट्रेडिशनली बीन सेल्फ एम्प्लॉयड इन एक्टिविटीज सच एज हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। पिछले चैप्टर में यही चीज़ें हमने पढ़ी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू मिलती है लोगों को, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ड्यू टू द डिस्टर्ब कंडीशंस इन स्टेट सम ऑफ द वर्कर्स हैव सफर्ड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेजॉरिटी आर वर्किंग एट वेरी लो इनकम। ठीक है, डिस्टर्बेंस की वजह से स्टेट में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट खोई हुई है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम तनख्वाह पे नौकरी करते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी वुड रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस फॉर द रिवाइवल, और वी कैन से फॉर द ग्रोथ, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो बहुत सारे सेक्टर्स या फिर उसके अंदर जो सब सेक्टर्स जो हैं हमारी स्टेट की इकोनॉमी के लिए, उनको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि जो वो एक्टिविटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का उनको ग्रोथ चाहिए है। द इम्पेडिमेंट्स टू ग्रोथ एंड द इंस्टीट्यूशंस दैट आर इन प्लेस टू प्रमोट ग्रोथ। सम ऑफ द इंटरवेंशंस थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लाइक PMRY, REGP, SGSY, NREGS एंड जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, कुछ ऐसे इंटरवेंशंस है, प्रोग्राम्स हैं जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। इन द 11th फाइव ईयर प्लान 2007 से 2012 जो इम्प्लाई हुआ था फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ द ऑर्डर रुपीज इतना करोड़ इज फोकस्ड टू बूस्ट इन पर्टिकुलर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ठीक है, जिसमें लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स एंड सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, जो टर्शरी सेक्टर होता है सच एज टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द ईयर 2003 हैज प्रोजेक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 3 कैटेगरीज टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज एज इंडिकेटेड। ठीक है, ये
टेबल है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी परसेंटेज के बारे में बताया हुआ है।